आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि इस वक्त मैं जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल चैंपियन कराटे चैंपियन जसलीन कौर जी मेरे साथ मौजूद है और जसलीन कौर के साथ इनकी मम्मा भी मेरे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये जो सफर है वो कैसा रहा और कैसा अभी तक इन्होंने किस तरीके से इनका सफर जो है वो शुरू किया। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में। जसलीन, मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि पहले तो आपका इंटरव्यू हो रहा है आज आपके ही स्कूल में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हम सबसे पहले मुझे पूरे मीडिया पूरे सोशल मीडिया के सामने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने का चांस मिल रहा है, तो आई फील सो प्रिविलेज्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो जसलीन मुझे बताइए कि कराटे चैंपियन मतलब आपको ये कैसे इंटरेस्ट बढ़ा? मैम, आई वॉज इन सेकेंड जब मैंने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया एंड उसके बाद से मैंने इसमें कंटिन्यू किया एंड आज मैं इतने बड़े लेवल पे पहुंची हूँ। इट्स अ बिग अचीवमेंट। यस मैम, लेकिन फिर भी अगर जसलीन देखा जाए तो अगर मतलब आपने नेशनल लेवल पे आई थिंक 3 बार आपने कहा कि आपने नेशनल लेवल पे भी खेला है, तो उस वो भी आपके पास अचीवमेंट्स कुछ जानना चाहेंगे। यस मैम, तो मैंने 16-17 डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप्स खेली है, स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स के लिए 3 नेशनल जिसमें आई वॉन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। मैंने इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के लिए, एक जापान में जहाँ एडवांस कराटे ट्रेनिंग थी एंड ब्लैक बेल्ट एग्जाम था, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आई गेस 5 to 6 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड एंड मेरा पास हो गया था वो एग्जाम एंड देर वॉज ऑल जापान मीट वेयर आई वॉन ब्रॉन्ज मेडल एंड मैंने एक और इंटरनेशनल खेला हुआ है काटा का जिसमें आई वॉन सिल्वर मेडल। जसलीन, आप इसको ऐसे ही आगे अपना प्रोफेशन बनाना चाहेंगी या आपको कुछ और बड़े होके बनना है? मतलब अभी तो आप आई गेस यू आर इन क्लास 12। ओके, तो सर इसके बाद क्या प्लान्स हैं आपके? हम अगर इस फील्ड में मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो मैं इसमें भी ट्राई करूंगी एंड ऑब्वियसली अगर हमें प्लेट में सर्व मिल रहा है किसी चीज के लिए तो हम बाय टू मिस आउट। मतलब आप इसमें आगे और करेंगी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेलना पसंद करेंगी? यस मैम, अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो डेफिनेटली। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या बनना है, ऐसे होता है ना बचपन में बच्चों को पूछते हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो अब आप बचपन में तो हो नहीं लेकिन फिर भी आपको क्या बनना है? यस मैम, अभी इस फील्ड में तो है ही है अगर लाइक एंड मे बी अभी जाके आगे सिविल्स की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वेरी नाइस। ओके, चलिए आपकी मम्मा से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? जसमीत कौर। जसमीत कौर जी, मैम सबसे पहले तो आप बताइए कि आप बहुत यंग दिखते हैं, क्या कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने? ये जी गॉड गिफ्ट है, बस गॉड गिफ्ट। हाँ, है मतलब बस, आपका कोई हाथ नहीं है? नहीं, मुझे है, हेल्दी खाती हूँ, बस घर का ही खाती हूँ। ओके, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाती। टोटल नहीं खाते? नहीं। ओके, जिम वगैरह? हाँ, जिम भी करती हूँ। ओके, इसीलिए। तो मैम आपको कैसा फील हो रहा है कि जसलीन का आज इंटरव्यू हो रहा है और जसलीन के स्कूल में ही इंटरव्यू हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एज अ मदर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जैसे सभी को, इनके पापा नहीं आए? हाँ, पापा की मीटिंग थी तो वो नहीं आ सके। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं कि जसलीन बड़े होके क्या बने? कराटे चैंपियन तो वो ऑलरेडी है, जिसमें इसकी खुशी है, जो ये चाहती है वही बने। आजकल ना पेरेंट्स का ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जैसे बच्चा आपको जो चाहता है वैसे ही। हाँ, बस यही। काफी बारिश थी और आपने बारिश में अपना कीमती समय जो है वो निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। जसलीन, आपसे जानना चाहूंगी आपके कितने फ्रेंड्स हैं? लिमिटेड में भी कितने? 2 or 3 बेस्ट फ्रेंड्स? हाँ, 2 or 3। ओके, तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए आप कब समय निकालती हैं, क्योंकि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बाहर जाती हैं खेलने? ओके, तो फिर एकेडमिक्स पार्ट पे आप थोड़ा सा आते हैं, पढ़ाई के लिए आप कितना समय निकालती हैं? हम जैसे कि अगर हम आज की लाइफ की बात करें तो यहाँ पे पहले स्कूल, फिर कोचिंग, उसके बाद लाइक अगर कराटे मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर यही टाइम है हमारा ग्रो करने का, फ्लरिश करने का, तो इस टाइम में जैसे कहीं कुछ ना कुछ करके टाइम तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है एंड टाइम निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए वो हो ही जाता है। मतलब फिर भी कितना वक्त निकालती हूँ पढ़ाई के लिए? तो लाइक 1 से 2 घंटा कराटे की ट्रेनिंग या, लगता है या नहीं? हाँ, लगता है। लगता है एक दो घंटा ट्रेनिंग वगैरह एक्सरसाइज करके, बाकी समय तो लाइक पढ़ाई रिवीजन के लिए। मतलब अगर हम पढ़ाई की बात छोड़ दें, पढ़ाई को कराटे को साइड पे रखी, इसके अलावा आपको क्या करना पसंद है? हम इसके अलावा लाइक म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनना, कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है ज्यादा सुनना? पंजाबी सॉन्ग्स। पंजाबी सॉन्ग्स? यस मैम। ओके, और एंड
लाइक जर्नलिंग करना. ओके. हाँ, लाइक डेली लाइफ के रूटीन्स लिखना वगैरह. आई लाइक इट. वेरी नाइस. तो खाना पीना आपको पसंद है? हाँ. अब आपकी मम्मा तो कुछ खाते नहीं है, वो तो हेल्दी डाइट है, मतलब हेल्दी डाइट खाना पसंद करते हैं, तो आप जंक फूड. ये मेरे से उल्टा. ये इसको, इसको जंक ही पसंद है. ज्यादा जंक खाते हैं. मुझे ये ऑर्डर करना है, मुझे ये ऑर्डर करना है. तो आप इन्हें कैसे फिर बोलती हैं? मैं बना तो करती हूँ, पर अब आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं. हाँ, बोलती तो हूँ. ओके. हाँ जी. तो मैम, आप कैसे इनको मोटिवेटेड रखती हैं कि इनको अपने मतलब गोल्स पर फोकस्ड रहना है? नहीं, ये इसको मैंने, इस पे मैंने मेहनत की नहीं, ये स्टार्टिंग से ही इसको था. हाँ, ये स्कूल से भी आती थी पहले. हाँ. यूनिफॉर्म नहीं चेंज करती थी, इसने पहले होमवर्क करना. अच्छा. फिर उसके बाद इसने. हाँ, इसका स्टार्टिंग से ही ऐसा था. इसके साथ हेडेक थी नहीं बिल्कुल, अभी तक नहीं है. इसको बोलना नहीं पड़ता कुछ भी, इसलिए ये कुछ भी बनना चाहती है. तो कभी जसलीन नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आई है, कुछ जीत कर, ब्लैक बेल्ट जीत कर आई है? हाँ, तो जापान गई थी. आपने क्या गिफ्ट दिया मैम? मदर्स लव, लॉट्स ऑफ लव. नहीं मैम, ये तो ये नहीं चलता. लव तो लव, वो तो होता ही है. इसके अलावा आपने गिफ्ट क्या दिया? जो ये बोलेगी. बोलेगी नहीं मैम. अभी तक कुछ मिला है आपको? इतनी अच्छी मम्मा मिली ना, जो बस देख लो क्या बात है. बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में. ओके. तो जसलीन, आप अपने स्कूल के बारे में कुछ कहिए. आपने बचपन से यहाँ पे पढ़ा है? यस मैम. ओके. तो कोई फीडबैक आपको, आपका स्कूल कैसा लगता है? मैम, मेरा स्कूल, अगर मेरे व्यूज से जाने तो स्कूल इज एक्सीलेंट. यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी गेम्स. ओके. स्टडीज में भी यहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं स्टडीज के लिए. स्टाफ इज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग इज स्कूल. अगर हम करेंगे तो लाइक स्कूल विद अ डिफरेंस, एंड देयर इज अ डिफरेंस इफ यू सी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. हर एक एस्पेक्ट के, स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, हर एक चीज में हमारा स्कूल बेस्ट है. एंड हम आगे भी यही ट्राई करेंगे कि हमारा स्कूल यही लेवल मेंटेन करे. ओके. आपका कोई फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर सुनीता मैम, इंग्लिश. बाकी बच्चों को बहुत गंदी लगती हैं वो. क्यों? पता नहीं. अगर उन्होंने इंटरव्यू देख लिया तो. मैं मैम की फेवरेट हूँ. अपना सोच रही है ना, सिर्फ मैं फेवरेट बोल रही हूँ उनको. बाकी का क्या है? अच्छा, ठीक है. तो जसलीन, इस वक्त जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे या इसके बाद भी ये वीडियो देखेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे लाइफ के बारे में? अगर लाइफ के बारे में, हाँ, तो जैसे कि एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइडेड नहीं थी, बट अगर आज के टाइम में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ने की फैसिलिटीज हैं, इवन स्पोर्ट्स में भी हर एक जेंडर को, हर किसी को फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं, तो उसको आप लो एंड आगे जाके अपने आप को प्रूव करो. लाइक मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ. अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हो, जिसने आपको ग्रूम किया है, उसको प्राउड फील कराओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. तो मैम, आपने देखा कि कराटे चैंपियन नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जसलीन कौर ने खेला है और ब्लैक बेल्ट लेकर वापस भी आएंगे. तो जसलीन, बेस्ट विशेस देना चाहूंगी मैं आपको कि इसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग. तो और भी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स. फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत.